कक्षा में पढ़ता था उसकी किताब देने उसके घर आया। भोला राम ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा, क्योंकि वह देखने में ही गरीब लग रहा था। उसके शरीर पर पुराने कपड़े और पैरों में फटे हुए जूते थे। भोला राम ने डांट कर उससे कहा, क्या काम है? तब उसने कहा, मैं किशोर की ये किताब लौटाने आया हूँ। भोला राम ने किशोर को बुलाया और कहा, ये किताब वापस ले लो और इसको कह दो ये यहाँ से चले जाए और आइंदा कभी इधर ना आए। उस दिन किशोर को बहुत बुरा लगा। उसने अपने दोस्त को किसी बहाने से वापस भेज दिया। उसके जाने के बाद उसने अपने पिता से कहा, आपको पता है ये मेरे क्लास का सबसे होनहार लड़का है। हमेशा हमारी क्लास में अव्वल आता है और मेरा सच्चा दोस्त भी है। भोला राम ने कहा, चाहे कुछ भी हो, मुझे गरीबों से दोस्ती अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो सब स्वार्थी होते हैं। तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। किशोर वहाँ से चुपचाप चला गया। किशोर को शुभम का साथ बहुत ही अच्छा लगता था। स्कूल के खाली समय में वह उसके साथ ही उठता बैठता था। शुभम गरीब माँ बाप का बेटा था। उसकी माँ टिफिन में हमेशा अपने हाथों का बना खाना देती थी और किशोर को उसके घर का खाना बहुत पसंद था, क्योंकि उसमें ना ज्यादा तेल होता था और ना ही मसाले। अपने घर में तो वे नौकरों के हाथ का तेल और मसालों से भरा खाना खा खा कर उब गया था। एक दिन छुट्टी के समय बहुत जोर की बारिश हो रही थी। किशोर की गाड़ी अभी नहीं आई थी। शुभम ने कहा, मेरा घर यहीं पास में ही है, चलोगे? वह शुभम के घर चला गया। उसने देखा कि शुभम की माँ दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। शुभम जैसे ही घर पहुँचा, उसकी माँ ने तुरंत तौलिया लेकर सबसे पहले उसके और किशोर के बाल सुखाए, दोनों को कपड़े बदलने के लिए दिए, फिर अपने हाथों से गरम गरम रोटियां सेक कर दोनों को खिलाया। किशोर को शुभम के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। जब वह घर वापस आया तो उसकी माँ सो रही थी। नौकर ने उसके सामने खाने की थाली परोस दी। वह बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चला गया। एक घंटे बाद जब उसकी माँ सोकर उठी और उसने देखा कि उसने खाना भी नहीं खाया, तो डांट लगाते हुए बोली, इतनी देर कहाँ लगा दी? जब उसने बताया कि वह शुभम के घर गया था, तब उसकी माँ ने कहा, जब तुमको पिताजी ने मना किया था तो तुम उसके घर क्यों गए थे? किशोर ने कहा, माँ, गरीब होना कोई पाप तो नहीं है? ड्राइवर नहीं पहुंचा था तो क्या मैं भी वहीं भीगता रहता? उसकी माँ ने उसे डांट दिया। धीरे धीरे किशोर बड़ा हो गया। जब 10वीं का रिजल्ट आया, तब शुभम ने अपने स्कूल में टॉप किया था। वह अपने पिता के साथ मिठाई का डब्बा लेकर किशोर के घर आया। भोला राम ने सुना तो किशोर को बुलाकर डांट लगाई और बोला, ये डिब्बा नौकरों में बंटवा दो। उसने किशोर से कहा, क्या मैं तुमसे पढ़ने में ज्यादा होशियार था? किशोर के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, पिताजी, उसके माँ बाप गरीब जरूर हैं, लेकिन वे शुभम के साथ तो हैं। उन्हें अपने बेटे पर भरोसा है। उन्होंने शुभम को पढ़ने के लिए ट्यूशन भी लगा रखी है, उसको कोचिंग क्लासेस भी दिलवाते हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे भी कोचिंग क्लासेस करनी है, लेकिन आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उसके माँ बाप गरीब जरूर हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे के भविष्य की चिंता है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने, ना कि मेरी तरह सिर्फ दौलतमंद। सिर्फ दौलत से ही सब कुछ नहीं मिलता। मेरे अध्यापक ने कहा था, दौलत आदमी को अंधा बना देती है, उसके सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपके बच्चे को खाने में क्या पसंद है और वे किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। मेरी भी इच्छा होती है कि मेरी माँ मुझे अपने हाथों से बना गर्मा गर्म खाना खिलाए, परंतु आपको तो माँ का घर के कामों में हाथ तक लगाना पसंद नहीं है। हम दूसरे बच्चों के साथ खेले कूदें, मेल जोल बढ़ाएं, ये भी पसंद नहीं है। वे लोग कितना स्वतंत्र जीवन जीते हैं, जब मन किया तो घूमने गए, जब मन किया तो पढ़ने बैठे, लेकिन आप हैं कि हमें ना ही कहीं जाने देते हैं, ना ही किसी से मिलने देते हैं। हम पढ़ लिख कर सिर्फ किताबी कीड़ा बन सकते हैं, अच्छे इंसान कभी नहीं बनेंगे। कहते कहते वे रुआंसा हो गया। भोला राम ने बेटे का ये रूप कभी नहीं देखा था।
उसने कहा, मैं तुम्हारे मित्र के घर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उसके घर लेकर जाओगे? शुभम ने कहा, ठीक है चलिए, लेकिन वह तो गरीब है, आप तो उनके घर बैठ भी ना सकेंगे। वे दोनों जब उसके घर पहुँचे तो भोला राम ने देखा कि उसका घर बहुत साधारण था। शुभम के पिता के पास एक पुरानी साइकिल थी, वह किसी दफ्तर में चपड़ासी था। शुभम के पिता ने जैसे ही भोला राम को देखा, अपना गमछा उतार कर तुरंत उनके बैठने के लिए कुर्सी पोंछने लगा। उनके घर में शांति और सुकून था। भोला राम ने पूछा, तुम अपने लड़के की फीस कहाँ से जुटाते हो? तब उसने कहा, हुजूर, हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम अपने बच्चे को इतने महंगे स्कूल में पढ़ा सकें। हम तो गरीब लोग हैं, हम खाने पीने का खर्च उठा लेते हैं, यही बहुत है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। हम दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरी पत्नी जिस घर में खाना बनाती है वही मैडम इसको पढ़ाती है। हाँ, कोचिंग के लिए ये जिद कर रहा था तो वह मैंने लगवा दिया है। उसके लिए मुझे सुबह थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है, एक कोठी में माली का काम कर लेता हूँ, शाम को ऑफिस में ही 2 घंटे ज्यादा काम कर लेता हूँ, जिससे इसकी कोचिंग का खर्चा निकल जाता है। इसको अपने स्कूल में छात्रवृत्ति भी मिली है, उसी से पूरा खर्च चल जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह ये भी अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताए। भोला राम की आंखें खुल गई, उसने कहा, वाकई मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था, मैं ये भी भूल गया था कि गरीब भी इंसान होते हैं। वे किशोर के साथ वापस आ गया और जब घर आया तब उसकी विचारधारा बिल्कुल बदल गई थी। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, आज के बाद तुम पर कोई रोक टोक नहीं है, तुम जिससे चाहो उससे मिलो, लेकिन याद रखना, कोई इंसान मेरी तरह दिल से गरीब नहीं होना चाहिए, भले पैसों से कितना गरीब हो। अब मैं समझ गया हूँ, मुझे मेरी दौलत ने अंधा बना दिया था। अपने पिता के बदले हुए विचार देखकर किशोर और किशन बहुत खुश हुए। उनकी माँ कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। गली के नुक्कड़ पर नंदू का ढाबा था। वो सुबह ही उठकर ढाबा खोल देता। अक्सर कुछ मजदूरी करने वाले लोग सुबह सुबह रोटी और दाल लेने उसके ढाबे पर आ जाते। एक दिन उसने जैसे ही ढाबा खोला तो मैले कुचैले कपड़े पहने हुए एक लड़का उसके ढाबे के सामने खड़ा था। गोरा रंग, घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी आँखों वाले उस लड़के को देखकर उसका मन न जाने क्यों भर आया। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा, कुछ खरीदने आए हो? मेरा नाम चंदर है, खरीदना तो था पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। क्या खरीदना चाहते हो? बस 1-2 रोटी लेनी थी, मेरी माँ बहुत बीमार है ना, उसको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। नंदू ने उसे 2 रोटी सब्जी पकड़ा दिया। जाओ अपने माँ को खिला देना और तुम भी खा लेना। नहीं बाबूजी, माँ खाएगी नहीं। क्यों नहीं खाएगी? वो सोचेगी मैं भीख मांग कर लाया हूँ। अच्छा, तुम एक काम करो, ढाबे के सामने सफाई कर दो, तुम्हें मैं मजदूरी में रोटी दे दूंगा। चंदर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब तक ढाबे पर कुछ ग्राहक आ गए और नंदू उसे सामान देने में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर के बाद जब उसने देखा तो चंदर ने उस जगह की अच्छी तरीके से सफाई कर दी और एक कोने में बैठ गया। अरे तुम इधर क्यों बैठे हो, आओ रोटी लेकर घर जाओ। कोई और काम है तो बता दीजिए। पहले घर जाओ, खा पी कर नहा धोकर आना, मैं तुम्हें काम बताऊंगा। चंदर सिर झुकाए चुपचाप चला गया। दिखने में तो लड़का बड़ा मेहनती और अच्छे घर का लग रहा था, इंसान की मजबूरी है। चंदर ने घर पहुंचकर माँ को रोटी दिखाई और कहा, माँ देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या है बेटा? माँ, वो गली के मोड़ पर जो ढाबा है ना, उसके मालिक नंदू बाबूजी ने कहा तुम पढ़े लिखे लगते हो, जरा मेरा हिसाब कर दो। मैंने उनका हिसाब कर दिया तो उन्होंने मुझे रोटी दे दी। अच्छा बेटा, तू पहले अपनी बहन को खिला दे, वो भूखी ही सो गई है, और खुद भी खा ले, मैं सब्जी खाकर ही पेट भर लूंगी। माँ तू खा ले, मैं अभी फिर से ढाबे पर जा रहा हूँ, आज शायद कोई काम मिल जाए। इतना कहकर वो नहा धोकर तैयार हो गया और ढाबे पर पहुँच गया।
अरे चंदर, तुम आ गए। अच्छा एक काम करो, आज बर्तन धोने वाला दीनू नहीं आया है तो जरा बर्तन साफ कर दो। जी बाबूजी। वो बड़े बड़े दाल और सब्जी के भगोने धोने लगा। तभी नंदू ने उसे देखा कि वो जूठे बर्तनों में से बची हुई दाल निकालकर एक बर्तन में रख रहा था। चंदर ये क्या कर रहे हो? बाबूजी हमारे घर में पिछले 4 दिनों से खाना नहीं बना है, हम एक एक दाने को तरस रहे हैं, इसीलिए दाल निकाल कर रख रहा हूँ ताकि कम से कम मुन्नी खा लेगी। मैं और माँ तो भूख बर्दाश्त कर लेते हैं पर वो अभी बहुत छोटी है। चंदर वो जूठा खाना अपनी बहन को खिलाओगे? बाबूजी गरीब की भूख जूठा नहीं जानती, उसे तो सिर्फ पेट भरने के लिए कुछ चाहिए। अच्छा तुम वो मत ले जाना, रसोई में और साफ खाना रखा है, बर्तन धोकर अपनी माँ और बहन के लिए रसोई से खाना ले जाना और तुम खाना खाकर ही जाना। ठीक है बाबूजी। वो चुपचाप सारे बर्तनों को चमकाने लगा। बर्तन धोने के बाद उसने कहा, अब मैं जाऊं? हाँ पहले जाकर खाना तो खा लो। नंदू रसोई में जाकर उसके लिए एक प्लेट में खाना लगाकर ले आया और उसको घर ले जाने के लिए अलग से एक पैकेट बना दिया। बाबूजी आपने तो बहुत सारा खाना दे दिया। तुम अब रोज मेरे पास आ जाया करो, मेरे बर्तन धोकर बाकी काम भी कर दिया करो, मैं तुम्हें रोज खाना दे दिया करूँगा। बाबूजी जब तक माँ बीमार है मैं रोज नहीं आ सकता, बहन को भी तो मुझे ही देखना पड़ता है ना। ठीक है जब भी समय मिले आ जाना। चंदर खाना लेकर घर चला गया। माँ ने देखा तो बोली, बेटा अब तूने क्या काम किया? माँ कुछ नहीं, वो नंदू बाबूजी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे अपनी दुकान का हिसाब किताब करने के लिए कहा, बदले में वो मुझे खाना भी खिलाएंगे और घर ले जाने के लिए भी दे देंगे। अच्छा तो तूने क्या कहा? माँ मैंने कहा रोज नहीं आ पाऊंगा, अगर मैं सुबह सुबह चला गया तो मुन्नी को कौन देखेगा। बेटा भला हो उस नंदू का जिसने तुझे काम दिया, तबीयत ठीक होते ही मैं काम करना शुरू कर दूंगी। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, हम ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब अस्पताल में मुझे होश आया तो उनको ढूंढने की कितनी कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिले। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, दोनों को लेकर गांव नहीं जाना चाहती थी जब तक कि उनका पता न चले। तब से ही इस शहर से उस शहर उनको ढूंढती फिरती हूँ। अगर डॉक्टर साहब के यहाँ काम ना कर रही होती तो न जाने मेरे बच्चों का क्या होता। अब तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं बेटा, आज तेरे बापू होते तो तू भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया होता। दूसरे दिन चंदर की माँ की तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी, उसने कहा, बेटा चंदर शायद बाबूजी के दिए खाने की वजह से ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है, तू जा उनका काम पकड़ ले, मैं मुन्नी को संभाल लूंगी। चंदर नहा धोकर ढाबे पर चला गया। आ गए तुम, आज कैसी तबीयत है तुम्हारी माँ की? माँ ठीक है और हाँ आज से मैं रोज सुबह ही आ जाया करूँगा। ठीक है अगर आ ही गए हो तो जरा ढाबे का हिसाब किताब भी देख लो। अच्छा तुम्हारे पिता कहाँ हैं? बाबूजी मैंने माँ से यही सुना है कि मेरे बापू अनाज के व्यापारी थे, अक्सर वो कलकत्ते जाया करते थे। एक बार जब हम बस कलकत्ते जा रहे थे तभी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, बापू का कहीं पता नहीं चला, हम लोग किसी तरह गांव पहुंच गए। बापू को ढूंढने के लिए माँ हमें लेकर इस शहर से उस शहर भटकती रही लेकिन उनका पता नहीं चला। हम कुछ ही दिनों पहले यहाँ आए थे, माँ ने डॉक्टर साहब के घर काम करके मुझे 8वीं तक पढ़ाया पर कुछ महीनों से माँ बीमार रहने लगी और मेरी पढ़ाई भी छूट गई और हम माँ के इलाज के लिए इस शहर में आ गए। अच्छा तुम कहाँ रहते हो, कितनी बड़ी है तुम्हारी बहन? बाबूजी पीछे ही हमारा घर है, कमरा नंबर 12, मुन्नी पूरे 5 साल की है। ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम इतना पढ़े हो तो बर्तन धोने का काम करने के लिए क्यों तैयार हुए, कहाँ रहते हो? बाबूजी मैंने बहुत काम ढूंढा पर मुझे कोई काम नहीं देता था,
क्योंकि सबको कोई ऐसा लड़का चाहिए जो किसी की जान पहचान का हो। पेट की आग बुझाने के लिए कुछ तो काम करना ही होगा। काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जूठे बर्तन धोकर अपनी माँ और बहन को कम से कम रोटी तो खिला पा रहा हूँ। गरीब की भूख बहुत तकलीफ देह होती है बाबूजी। उसके दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। चंदर, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम इस ढाबे पर थोड़ी देर बैठ सकते हो? नंदू चंदर के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। उसकी माँ दरवाजा खोलते ही कहती है, आप जिंदा हैं? अरे तुम सब जिंदा हो, ये देखकर ही मैं खुशी से पागल हो गया हूँ। मैं बच्चों को लेकर पागलों की तरह इस शहर से उस शहर आपको ढूंढती फिर रही हूँ, और रोती हुई अपने आंसू पोंछती है। अरे अंदर आने को नहीं कहोगी? मुझे भी तो कुछ कहने का मौका दो। आपको कैसे पता चला हमारा पता? बताता हूँ। आओ बैठो, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बस जिंदा हूँ। मुझे तो चंदन ने जब ट्रेन दुर्घटना की बात की तो एक उम्मीद की किरण नजर आई कि शायद ये मेरा ही बेटा है, पर मैं तुमसे बिना मिले उससे कुछ नहीं कह सकता था। तो नंदू तुम हो? तुमने अपना नाम भी बदल लिया? मैं अभी भी तुम्हारा नंद किशोर ही हूँ, पर ढाबे पे आने वाले सभी लोग मुझे नंदू के नाम से ही जानते हैं। तुमने हमारी कोई खोज खबर क्यों नहीं ली? मैं जब 6 महीने बाद होश में आया तो सबसे पूछा मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं, पर मुझे यही बताया गया कि उस बोगी में बैठे सभी लोग बुरी तरह से जख्मी थे। सबको वहाँ से दूसरी जगह भेज दिया गया था, पर कोई जिंदा नहीं बच पाया था। तो तुम गांव क्यों नहीं गए? गांव किसके लिए जाता, जब मेरा परिवार ही नहीं बचा था। 1 साल बाद एक बार गांव गया तो तब पता चला कि कुछ दिनों पहले ही तुम सब वहां से जा चुके थे। तब से मैं भी हर जगह तुम लोगों को ढूंढने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। अभी कुछ साल पहले ही गांव जाकर जो जमीन थे उसे बेचकर यही ढाबा शुरू किया था। अगर मेरी तबीयत ज्यादा खराब ना होती तो हम अभी भी न मिलते। जिस डॉक्टर के यहाँ मैं काम कर रही थी उन्होंने इसी शहर का पता दिया और कहा उनके एक दोस्त डॉक्टर हैं, वही मेरा इलाज करेंगे। उन्हीं को दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं। अगर चंदर ना मिलता तो मुझे पता भी ना चलता कि तुम लोग जिंदा हो। नंदू ने मुन्नी को गोद में उठा लिया और कहा, चलो मेरे साथ, अभी चलकर चंदर को ये सब बताते हैं। चलो। सब ढाबे पर जाते हैं। चंदर नंदू के साथ अपनी माँ को देखकर हैरानी से बोलता है, माँ तुम यहाँ? हाँ बेटा, अपने बापू के गले नहीं लगेगा। क्या, कहाँ है मेरे बापू? यही तेरे बाबूजी, जिनकी तू कल से ही तारीफें करते थक नहीं रहा है। चंदर की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो झट से अपने बापू के गले लग गया। उसने सोचा, कम से कम गरीबी की भूख से तो अब नहीं मरेंगे हम सब। नंदू ने अपने चंदर को गले से लगा लिया। चंदर तुम बहुत ही नेक हो, अब से तुम ही इस ढाबे के मालिक हो, मेरी एक शर्त है। बताओ बापू, मैं सब शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। अब से तुम्हें अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी होगी। चंदर और उसका परिवार बरसों बाद एक हो गया, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था।